हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल। आई एम सीएस पायलजन एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 1, दैट इज बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। एज यू ऑल नो कि हम अपना जो ये चैप्टर नंबर 1 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हमने एक एक टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में समझा है और आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपका जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन है वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है वो है बिजनेस स्टार्ट विथ, यानी कि बिजनेस कहां से स्टार्ट होता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोडक्शन, ऑप्शन बी कंजम्पशन, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑप्शन डी इज सेल। तो जैसा कि हम सबको पता है बच्चों कि जो बिजनेस स्टार्ट होता है वो प्रोडक्शन के साथ स्टार्ट होता है, यानी गुड्स को बनाने के साथ स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए की प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तभी उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, तभी उन गुड्स का सेल हो पाएगा और तभी जो है वो गुड्स एंड कंजम्पशन के लिए एंड कंज्यूमर तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए, दैट इज प्रोडक्शन। सेकंड क्वेश्चन इज द इकोनॉमी इन एंशियंट टाइम विच वर कैरिड आउट बाय, यानी कि जो इकोनॉमी थी एंशियंट टाइम में, पुराने समय में, वो किस प्रकार की जाती थी, पुराने समय में व्यापार कैसे किया जाता था। ऑप्शन ए दिया हुआ है सिल्क रूट, यानी कि जो लैंड रूट था। ऑप्शन बी इज मैरिटाइम रूट, यानी कि पानी का रास्ता। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। हमने अपने इस हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है बच्चों कि जो इकोनॉमी थी एंशियंट टाइम में वो सिल्क रूट से भी की जाती थी और मैरिटाइम रूट से भी की जाती थी। तो यहाँ पे हमारे लिए सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 3। इन एंशियंट टाइम पीपल वर एंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज, यानी कि एंशियंट टाइम में, पुराने समय में लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते थे। हमारे यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ऑप्शन बी वेविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स एंड यूटेंसिल, ऑप्शन सी हैंडीक्राफ्ट, स्कल्पिंग, कॉटेज इंडस्ट्री एंड मेसोनरी एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो हमने अपने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है कि ये जो सारी एक्टिविटीज जो कि आपको ऑप्शन ए बी और सी में दी गई है वो सारी ही एक्टिविटी एंशियंट टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह परफॉर्म की जाती थी। तो यहाँ पे आपके लिए सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, हुंडी वॉज रिटन इन, जो हुंडी थी वो किस रूप में लिखी जाती थी, कैसे लिखी जाती थी। ऑप्शन ए इज इंग्लिश लैंग्वेज, ऑप्शन बी हिंदी लैंग्वेज, ऑप्शन सी वर्नेक्युलर लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीस, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है कि हुंडी जो है बच्चों वो वर्नेक्युलर लैंग्वेज में लिखी जाती थी, स्थानीय भाषा में लिखी जाती थी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन हुआ है। क्वेश्चन 5, बिजनेस रेफर टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटी विथ अ व्यू टू, ऑप्शन ए सेल ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन बी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑप्शन सी अर्निंग प्रॉफिट, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है बिजनेस की डेफिनेशन। ठीक है, तो बिजनेस की डेफिनेशन जो है हमने अच्छे से पढ़ी है कि बिजनेस जो है वो एक तरीके का ऑक्यूपेशन होता है जो कि रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, किसी एक दिन बिजनेस नहीं किया जाता है, हर दिन बिजनेस किया जा रहा है। और वहां पे बिजनेस करने का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो आपके लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इकोनॉमिक एक्टिविटी मे बी डिवाइडेड इंटू 3 मेजर कैटेगरीज एक्सेप्ट, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।
और इन चारों ऑप्शन के अंदर ऐसी कौन सी कैटेगरी है जो कि इकोनॉमिक कैटेगरी में नहीं आती? तो ऑप्शन ए है बिजनेस, बी इज प्रोफेशन, सी इज एम्प्लॉयमेंट एंड डी इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एज वी ऑल नो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन भागों में बांटा गया है, पहला है बिजनेस, दूसरा प्रोफेशन एंड तीसरा एम्प्लॉयमेंट। यानी कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ वो है ऑप्शन डी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी की कैटेगरी में नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि इन सभी ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बिजनेस एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन बी इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन सी इज प्रॉफिट अर्निंग एंड ऑप्शन डी इज फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। अब हमें पता है कि बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो डेफिनेटली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है होती है, जिसको परफॉर्म करके आप अपना लाइवलीहुड अर्न कर पाते हो। ऑप्शन बी, हमें पता है कि बिजनेस एक्टिविटी जो है वहां पे गुड्स का प्रोडक्शन भी होता है और गुड्स का प्रोक्योरमेंट भी होता है, और बिजनेस जो किया जाता है उसका मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो ऑप्शन ए बी और सी जो आपके हैं वो बिजनेस के डेफिनेटली कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होते हैं, तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है करेक्ट वो है ऑप्शन डी, जो कि बिजनेस एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द एक्टिविटी इन फॉलोइंग केस। आपको जो केस दिया हुआ है नीचे उसके अंदर एक्टिविटी बतानी है कि यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी एप्लीकेबल हो रही है। केस है आपका अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ऑप्शन ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन बी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑप्शन सी सोशल एक्टिविटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमें पता है बच्चों की जो एक्टिविटीज होती है वो दो तरह की होती है, पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको परफॉर्म आप इसलिए करते हो कि वहां से आप कुछ पैसा कमा पाओ और उस पैसे से आपका लाइवलीहुड आप अर्न कर पाओ, और दूसरी हमारी एक्टिविटी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि हम पैसा कमाने के मकसद से नहीं करते, हम आउट ऑफ लव आउट ऑफ केयर वो जो है एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में आपको बोला है कि अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री, एक वर्कर है जो कि फैक्ट्री में काम करने जाता है, तो वहां पे उसका मकसद क्या होगा कि मैं फैक्ट्री में काम करूंगा जिसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा और उस पैसे से मेरा लाइवलीहुड अर्न हो पाएगा। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी कौन सी हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट द एक्टिविटी इन फॉलोइंग केस। आपको बताना है कि नीचे दिए गए केस में कौन सी एक्टिविटी जो है वो एप्लीकेबल हो रही है। तो यहाँ पे आपको केस दिया हुआ है अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, एक बच्चा है एक लड़का है जो कि किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी हुई, पहला ऑप्शन है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सी ऑप्शन है आपका सोशल एक्टिविटी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे बच्चों एक बॉय एक जो लड़का है वो किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करने में मदद कर रहा है, तो आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे उसका मकसद पैसा कमाना है, नहीं, यहाँ पे उसका मनी से रिलेटेड कोई भी मकसद नहीं है, वो आउट ऑफ केयर जो है उन बूढ़े व्यक्ति की हेल्प कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी हुई वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को एस्टैब्लिश किस तरीके से किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बी ऑप्शन इज अपॉइंटमेंट ऑफ लेटर, सी ऑप्शन इज एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो बिजनेस का जो एस्टैब्लिशमेंट होता है बच्चों वो बिजनेसमैन के डिसीजन के साथ स्टार्ट होता है, कि जिस दिन बिजनेसमैन ने डिसीजन लिया, जिस दिन उसने डिसाइड किया कि मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, उस दिन से वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और अगर उसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज है
तो उनको परफॉर्म करके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। नेचर ऑफ वर्क इन अ प्रोफेशन, कि जो प्रोफेशन होता है उसमें किस प्रकार का काम किया जाता है, वहां का नेचर ऑफ वर्क कैसा होता है। ऑप्शन ए इज प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। ऑप्शन बी रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज। ऑप्शन सी परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट और रूल ऑफ सर्विस, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीस। तो यहाँ पे बच्चों प्रोफेशन जो होता है वहां पे एक आप स्पेशलाइज नॉलेज अक्वायर करते हो, स्पेशल स्किल्स अक्वायर करते हो किसी रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, ताकि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट बन सको और आगे जाके आप अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सको। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द रिवॉर्ड और रिटर्न इन द बिजनेस, कि बिजनेस के अंदर किस प्रकार का रिवॉर्ड होता है, किस प्रकार का रिटर्न होता है। ऑप्शन ए सैलरी, ऑप्शन बी फीस, ऑप्शन सी प्रॉफिट, ऑप्शन डी कमीशन। तो हम सभी को अच्छे से पता है बच्चों कि बिजनेस जो किया जाता है वो उसका मोटिव ही क्या होता है, कि वहां से वो पर्सन प्रॉफिट अर्न कर सके, प्रॉफिट कमा सके। तो ऑप्शन सी जो है वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। दैट इज व्हाट क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर एम्प्लॉयमेंट, कि आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए किस प्रकार की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन ए इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी। ऑप्शन बी एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इन स्पेसिफिक फील्ड इज अ मस्ट। ऑप्शन सी क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। ऑप्शन डी ग्रेजुएशन डिग्री। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो होता है वहां पे आप किसी पर्सन के पास, एम्प्लॉयर के पास जाकर जॉब करते हो, तो यहाँ पे जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के लिए एम्प्लॉयर ने जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बताया है वो आपने कंप्लीट किया होना चाहिए, तभी आप उस एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट बन सकोगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। इन एंशियंट टाइम द गुड्स वर ट्रेडेड, कि एंशियंट टाइम के अंदर, पुराने समय के अंदर गुड्स की ट्रेडिंग किस प्रकार होती थी। ऑप्शन ए ओनली इंटरनली, ऑप्शन बी ओनली टू द फॉरेन लैंड्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एज यू ऑल नो कि हमने अपने हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के लेक्चर में ये चीज अच्छे से पढ़ी है कि जो एंशियंट टाइम के अंदर ट्रेडिंग होती थी वो हमारे भारत देश के अंदर इंटरनली भी होती थी और फॉरेन लैंड्स में भी होती थी। हम इंपोर्ट भी करते थे और हम गुड्स का एक्सपोर्ट भी करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, ऑप्शन सी। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज पॉपुलरली कॉल्ड, कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उसे पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था। फर्स्ट इज ऑप्शन ए मेरा भारत महान, ऑप्शन बी स्वर्ण भूमि एंड स्वर्ण द्वीप, ऑप्शन सी स्वर्ग भूमि, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको जैसा अच्छे से पता होगा कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट को स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन बी। ओके, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। रीसेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन टू हेल्प द इकोनॉमी इन टर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट विथ स्टेडी एंड सस्टेनेबल ट्रेड बैलेंस, कि रिसेंटली ऐसे कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए मेक इन इंडिया, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी स्किल इंडिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पे जैसा कि आपको अच्छे से पता होगा बच्चों की ये जो सारे ही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए बी एंड सी वो जो है रीसेंट इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70। इंडस्ट्री इज कंसर्न विथ कि इंडस्ट्री किसके साथ कंसर्न होती है। ऑप्शन ए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन बी प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ऑप्शन डी फैसिलिटेटिंग गुड्स टू द एंड कंज्यूमर। तो हमने इंडस्ट्री और कॉमर्स जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ा है और इंडस्ट्री का मतलब ये होता है बच्चों की जहां पे गुड्स की एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जहां पे गुड्स एक्चुअली बनाए जाते हैं और जो एक प्रोडक्ट है उससे सिमिलियर जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो मिलकर आपकी क्या कहलाती है, इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो है वो पूरा आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इन फॉलोइंग थ्री पार्ट्स कि इंडस्ट्री को तीन भाग में बांटा गया है एक्सेप्ट, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, थर्ड इज टर्शरी एंड लास्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग। तो जैसा कि हमें अच्छे से पता है कि इंडस्ट्री जो है उसे तीन भागों में बांटा गया है, पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड वन इज टर्शरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री के पार्ट में डिवाइड नहीं की गई है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर डी। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा कि आप उस एमसीक्यू का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ो, तभी आप एनालाइज कर पाओगे कि आपका सही आंसर क्या है। अगर आपने आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के और आंसर करने की कोशिश करी तो आप डेफिनेटली रॉन्ग आंसर करके आओगे। और एमसीक्यू सॉल्व करने का बेहतर तरीका यही है कि आप जो है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, एक भी वर्ड आपको स्किप नहीं करना है, तभी आप जो है सही आंसर कर पाओगे। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। टर्शरी इंडस्ट्री कंसर्न विद कि टर्शरी इंडस्ट्री जो होती है वो कंसर्न होती है। ऑप्शन ए कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिज, रोड एज वेल एज टनल एंड कैनल्स। ऑप्शन बी असेंबल डिफरेंट कॉम्पोनेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी एनालिसिस एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल। एज वी नो कि टर्शरी इंडस्ट्रीज जो होती है बच्चों वो एक तरीके की सपोर्ट इंडस्ट्री होती है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कराती है किसको, प्राइमरी इंडस्ट्री को एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को, ताकि इनका जो काम है वो बिना किसी बाधा के चलता रहे। और इनको जिन जिन सपोर्ट सर्विसेज की नीड होती है जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट, कम्युनिकेशन, जिसके बिना बिजनेस नहीं किया जाता, वो सारी सपोर्ट सर्विसेज जो है वो टर्शरी इंडस्ट्री प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके, क्लियर। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। कार इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कि कार इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल है, कौन सी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज एनालिटिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी सिंथेटिकल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी असेंबलिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन डी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब कार जो होती है बच्चों वो असेंबल करके बनाई जाती है, अलग अलग पार्ट्स जो है वो लाए जाते हैं और उन्हें एक एक न्यू प्रोडक्ट के रूप में डेवलप किया जाता है, यानी कि इंजन कहीं और बन रहा है, बोनट कहीं और बन रहा है। ठीक है, इन सारे पार्ट्स को इकट्ठा किया जाता है, उन्हें असेंबल किया जाता है और उन्हें कार का रूप दिया जाता है।
तो यहाँ पे जहाँ पे भी असेंबलिंग का काम होता है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल पार्ट्स को लाके कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, वो आपका किस इंडस्ट्री का काम होता है? वो होता है असेंबलिंग इंडस्ट्री का काम। तो कार इंडस्ट्री जो है वो असेंबलिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अगर आपको यहाँ पे कंप्यूटर दिया होता तो वो भी असेंबलिंग इंडस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर भी जो है वो अलग अलग पार्ट्स से मिलकर बना होता है, इसलिए उसे भी असेंबल किया जाता है और वो कौन करता है? असेंबलिंग इंडस्ट्री करती है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड आउट इंडस्ट्री टाइप इन द फॉलोइंग केस, कि आपको जो नीचे केस दिया हुआ है वहां पे कौन सी इंडस्ट्री का जो टाइप है वो एप्लीकेबल होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम, ब्रिज एंड रोड्स, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑप्शन बी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ऑप्शन सी टर्शरी इंडस्ट्री एंड ऑप्शन डी इज प्राइमरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, दैट इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जहां पे कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग्स का, डैम का, ब्रिज का, जहां पे इंजीनियरिंग वर्क जो है वो इंडल्ज होता है, वो आपकी कौन सी इंडस्ट्री होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यहाँ पे आप कोई गुड्स का मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप कोई भी गुड्स नहीं बना रहे हो, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आप निर्माण कार्य कर रहे हो, जैसे कि बिल्डिंग बना रहे हो, डैम्स बना रहे हो, ब्रिज बना रहे हो, तो ये कौन सी इंडस्ट्री होती है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। कॉमर्स प्रोवाइडेड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड, ऑप्शन ए सप्लायर, ऑप्शन बी कंज्यूमर, ऑप्शन डी गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी इज डिस्ट्रीब्यूटर। जैसा कि हम सबको पता है बच्चों कि कॉमर्स जो होता है वो फैसिलिटेट करता है ऐसी सर्विसेज को जहां पे जो फिनिश गुड है वो पहुंच पाए किसके पास? कंज्यूमर के पास, ऐसी सर्विसेज को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आपको जो बताया गया है कि कॉमर्स जो है वो लिंक प्रोवाइड कराता है प्रोड्यूसर यानी गुड्स बनाने वाले के साथ और एंड किस पे होता है? कंज्यूमर पे। तो ये एक लिंक होता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो एक करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि इन सभी ऑप्शन के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला है आपका मार्केट स्टैंडिंग, दूसरा है प्रॉफिट अर्निंग, थर्ड इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस एंड डी इज चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। तो जैसा कि हमें पता है कि बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि वहां पे मार्केट में उसकी स्टैंडिंग बन सके, उसकी रेपुटेशन बन सके, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो सके। दूसरा, बिजनेस का तो मोटिव ही होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस काम नहीं करता है। तीसरा, कि बिजनेस के पास में फिजिकल एज वेल एज फाइनेंशियल रिसोर्सेस ऑप्टिमम मात्रा में होने चाहिए। लेकिन जो ऑप्शन डी है, दैट इज चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन, इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजनेस रिस्क रेफर टू द, ऑप्शन ए पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अब हमें बच्चों अच्छे से पढ़ाए कि बिजनेस रिस्क जो होता है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, कि भविष्य में बिजनेस में ऐसी कौन सी बाधाएं आने वाली है, कौन से इवेंट्स होने वाले जो कि हमें नहीं पता है, जो कि आगे जाके हमको लॉस दे सकती है या फिर जितना हमने प्रॉफिट को की एक्सपेक्टेशन रखी है उतना प्रॉफिट हम नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ पे हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट का भी डर रहता है और हमें बिजनेस में लॉस हो जाने का भी डर रहता है। तो ऑप्शन सी जो है बच्चों वो हमारे लिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज बोथ ए एंड बी, कि हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट का भी रिस्क रहता है और हमें लॉसेस का भी रिस्क रहता है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी कि जो बिजनेस रिस्क है इंक्लूड करता है इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि बिजनेस रिस्क इंक्लूड नहीं करता है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के अंदर नहीं आता है? ऑप्शन ए रिस्क इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस,
बी रिस्क बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस एंड ऑप्शन डी रिस्क इज प्री डिटरमाइंड। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि रिस्क जो होता है वो किसी भी बिजनेस का एसेंशियल पार्ट होता है। बिजनेस जो है रिस्क के बिना तो काम कर ही नहीं सकता, हर बिजनेस के अंदर रिस्क तो इन्वॉल्व होता ही होता है। ऑप्शन बी बिजनेस रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है। बिल्कुल सही बात है कि भविष्य में ऐसी कौन सी घटनाएं होने वाली है, कौन से इवेंट्स होने वाले हैं तो जो कि बिजनेस को लॉस दे सकते हैं या फिर बिजनेस के अंदर रिस्क अराइज कर सकते हैं। ऑप्शन सी डिग्री जो होती है यानी कि कितना रिस्क होगा वो बिजनेस के नेचर के ऊपर और बिजनेस के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, दैट इज रिस्क इज प्री डिटरमाइंड। तो यहाँ पे आपके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिस्क इज प्री डिटरमाइंड। अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एमसीक्यू सीरीज इज क्वेश्चन नंबर 26, कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, कि बिजनेस रिस्क का कारण क्या होता है। नेचुरल कॉज, बी इज ह्यूमन कॉज एंड सी इज इकोनॉमिक कॉज एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि बिजनेस रिस्क जो है वो नेचर की वजह से भी होता है, नेचुरल क्लाइमेटी दैट इज फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, ये नेचुरल कॉजेज होते हैं। ह्यूमन कॉजेज ऐसे कॉजेज जो कि हमारे एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो वो भी कारण बनते हैं बिजनेस रिस्क का। इकोनॉमिक कॉजेज जैसे कि चेंज ऑफ प्राइजेस, प्राइस जो चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो गई है, कस्टमर के टेस्ट और फैशन के अंदर चेंज आ गया है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो बिजनेस के में रिस्क के कारण बनते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो आई होप बच्चों हमने अभी जितने भी एमसीक्यूज पढ़े हैं वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। और मैंने यहाँ पे जितने भी चैप्टर वन में पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।